नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, वो भी अक्षय कुमार की एक आने वाली फिल्म के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पे एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि अक्षय कुमार एक फिल्म करने वाले हैं जो बेस्ड है जसवंत सिंह गिल के ऊपर। जसवंत सिंह गिल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे 1989 में, रानीगंज नाम की एक जगह पर फ्लड आ गया था और कम से कम वहां पर 100 से ज्यादा लोग फंस गए थे माइनिंग करते वक्त। और उसके दौरान 1989 में जसवंत सिंह गिल ने अपनी जान पर खेलकर 64 लोगों को वहां से बचाया था, उस माइन से, उस कोल माइन से। तो एक अलग तरह की स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक टेक है इस स्टोरी में। और 2019 में जसवंत सिंह गिल, जिन्होंने इस तरह की बहादुरी की दिखाई थी और 64 लोगों की जान बचाई थी मजदूरों की, उनके ऊपर ये फिल्म बन रही है। और उनके बेटे ने भी इनकी, मतलब जिन्होंने ये है ना बोलते हैं जान की बाजी दी थी, उनके बेटे ने इस स्टोरी के लिए मंजूरी दे दी है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले है टीनू सुरेश देसाई, जिन्होंने रुस्तम फिल्म बनाई थी जिसके लिए अक्षय कुमार को नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर का। तो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे वाशु भगनानी, कायटा प्रोडक्शंस। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल थर्ड क्वार्टर में शुरू होगी, यानी कि जून के बाद ये जुलाई से अगस्त सितंबर के बीच में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। ये बहुत ही नेस्केंट स्टेज पर ये पूरा प्रोजेक्ट है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने यह दावा किया गया है कि अक्षय कुमार ये रोल कर रहे हैं, जसवंत सिंह गिल का जो है वो किरदार निभाएंगे। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो नाम है वो भी काफी हद तक तय हो चुका है, कैप्सूल गिल नाम का नाम इसका रखा गया, कैप्सूल गिल। अब देखते हैं क्या ये नाम रहेगा या कोई और दूसरा नाम रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, अक्षय कुमार क्या ये फिल्म साइन करते हैं या नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। सिर्फ फिल्म कितना ही पपा।